हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमंत जैन। आज मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ रूल्स और थिंग्स बताने वाला हूं जो कि आपको पता नहीं होगा। अगर आपको पता भी है तो आप उसे कैसे फॉलो करते हैं, और जिसे पता नहीं है और किसने पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और अगर किसी ने नहीं लिया है अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये थिंग्स अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने एजेंट को पूछ लीजिए पॉलिसी लेने के पहले। और लेने के बाद ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े या आप एजेंट को गाली दो, कंपनी को गाली दो, उससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि आपको पूरी जानकारी लेनी जरूरी है। चलिए मैं शुरू करूंगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए पहला जो है सब लिमिट आता है। ये काफी पॉलिसीज में सब लिमिट्स रहते हैं जो कि एजेंट कभी बता भी देते हैं और कोई कोई नहीं भी बताते हैं। वो खाली प्रीमियम और इतनी अमाउंट की इंश्योरेंस पॉलिसी आपके इसमें आने वाली है इतना ही बताते हैं और आपसे प्रीमियम ले जाते हैं। लेकिन सब लिमिट्स क्या होता है? सब लिमिट्स ये होता है, मान लीजिए आपने 2 लाख की पॉलिसी ली है या 3 लाख की या 5 लाख की, तो इसमें एक लिमिट रहता है। उतना ही वो आपको रूम रेंट का किराया देंगे, आईसीयू का पैसा देंगे। मान लीजिए स्टार हेल्थ में 1% का सब लिमिट है तो आपको 2 लाख का 1% हो गया 2000, तो आपको रूम रेंट का 2000 तक ही मिलेगा। भले आप रूम रेंट चॉइस करो 3000 का या 4000 का, 2000 के ऊपर जो भी होगा वो आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। ये रूल आप पहले देख लीजिए। लगभग 5 लाख की जो पॉलिसी है उसमें एक सिंगल प्राइवेट रूम आप ले सकते हैं, वो कंपनी उतना अमाउंट देती है। लेकिन आपको प्रीमियम रूम चाहिए तो उसका अलग से पे करना पड़ेगा। और 3 लाख की जो पॉलिसी है, कुछ कंपनियां में सब लिमिट से और कुछ कंपनियों में नहीं है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपको आगे जाके पछताना ना पड़े, भाई मैंने इतना प्रीमियम दिया है, मुझे पूरा पैसा क्यों नहीं मिल रहा है क्लेम के वक्त। और दूसरा जो पॉइंट है वो है को पेमेंट। और को पेमेंट कोई किस किस पॉलिसीज में अवेलेबल है और इसमें क्या होता है? मान लीजिए आपका जो बिल आता है हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, और कभी किस में 10% होता है, 20% भी होता है, तो अलग अलग रहता है हर एक पॉलिसीज के लिए। और मान लीजिए आपका बिल आता है 20,000, तो 10% हो गया 2,000, मीन्स 18,000 ही कंपनी देगी, 2,000 आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा। और मोस्ट जो ये को पेमेंट रहता है सीनियर सिटीजन 60 इयर्स प्लस पॉलिसीज में होता है, उससे कम में नहीं भी होता है, लेकिन कुछ पॉलिसीज ऐसी है जिसमें ये अवेलेबल है। ये रूल आपको जानना जरूरी है ताकि आगे जाके आपका नुकसान ना हो। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये काफी लोगों को पता नहीं है। डिडक्टिबल, ये डिडक्टिबल क्या होता है? ये एक अमाउंट होता है जिसे आपको पहले पे करना है, उसी के बाद कंपनी आपको पे करेगी। अगर आपने पॉलिसी ली है और अगर उसके अंदर ये डिडक्टेबल रूल है, तो मान लीजिए रेलिगेयर में 10,000 का डिडक्टेबल रूल है 2 लाख 3 लाख की पॉलिसीज में, और अगर आपको विदाउट डिडक्टेबल लेना है तो प्रीमियम थोड़ा ज्यादा लगेगा और डिडक्टेबल में डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम पे। लेकिन मेरा तो एक ही मानना है कि आप डिडक्टेबल में मत जाइए, और कुछ पेमेंट अगर प्रीमियम बढ़ता है 400-500 रुपया तो वो भर के विदाउट डिडक्टेबल का लेना ही पड़ेगा। इसमें क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए 10,000 का डिडक्टेबल उस पॉलिसी में अवेलेबल है और आपने हॉस्पिटलाइजेशन किया है और आपका बिल आ गया है 13,000 और डिडक्टेबल अमाउंट है 10,000 कंपनी का, तो उस वक्त आपको क्या होगा कि जो ऊपर का 10,000 है वो आपको पहले भरना पड़ेगा आपके जेब से, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है 2,000-3,000 जो भी होगा वो कंपनी भरेगी। तो अगर ये रूल अगर आपने चेक नहीं किया और आपने पॉलिसी ले लिया तो आपका कुछ मतलब नहीं है। ये रूल कब अप्लाई होता है? ये जब आप बड़ी पॉलिसी लेते हो और बड़ा क्लेम होता है। मान लीजिए आपने 5 लाख की पॉलिसी ले ली है डायबिटीज और हार्ट पेशेंट के लिए, तो उसके लिए ठीक है क्योंकि उसमें मान लीजिए 3 लाख 2 लाख का डिडक्टेबल करते हैं और 5 लाख की पॉलिसी ली, तो उसमें 3 लाख कंपनी पे करेगी और 2 लाख आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा, और उस टाइम पे ये प्रीमियम जो रहता है वो कम रहता है डिडक्टेबल में, तो उस समय ये अवेलेबल है। और ये रूल आप जान लीजिए
काफी लोगों को एजेंट्स को भी पता नहीं रहता है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है डे केयर ट्रीटमेंट्स। डे केयर ट्रीटमेंट में काफी सारी ट्रीटमेंट आती है, लगभग 500 प्लस ट्रीटमेंट है, उसमें कैटरेक्ट है और काफी सारे हैं। तो इसमें भी लिमिट्स दे रखी है किस किस पॉलिसीज में। मान लीजिए आपने कैटरेक्ट ट्रीटमेंट कराया है और वो डे केयर है और आपका 50,000 बिल है, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा कि ये कंपनी कैटरेक्ट ट्रीटमेंट में कितना देने वाली है, पूरा 50,000 देगी या नहीं देगी, ये आपको पहले जानना जरूरी है। स्टार हेल्थ में जो 3 लाख की पॉलिसी है उसके अंदर पर आय 20,000 है और 2 आंखों के लिए करेंगे तो 35,000, इतनी लिमिट दे रखी है। क्योंकि हमने डैडी का कराया था तो 20,000 ही दिया था, 35,000 बिल आया था। उसी के बाद मुझे पता चला कि इसमें भी लिमिट्स रहती हैं। तो सबसे पहले डे केयर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उसकी लिमिट्स देख लीजिए, क्योंकि आगे जाके ऐसा ना हो आपने डे केयर का ट्रीटमेंट कर दिया, 50-60 हज़ार बिल आ गए और कंपनी 20,000 ही दे रही है, तो ऊपर का आपको भरना पड़ेगा। अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं होगा तो दिक्कत आ सकती है। उसके बाद डिजीजेस कवर्ड और नॉट। काफी सारी डिजीजेस ऐसी भी है जो 2 साल 3 साल या 4 साल वेटिंग पीरियड के बाद ही कवर होती है, जैसे कि डायबिटीज, शुगर, अस्थमा एक्सेट्रा। और लेकिन जब आप पॉलिसी लेते हैं उसमें मेंशन जरूर करिएगा कि आपको अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज, शुगर जो भी मीन्स पहले से है तो आप मेंशन करेंगे तो बाद में क्लेम के वक्त आपको दिक्कतें नहीं आएगी। अगर आपने बताया ही नहीं आपको डायबिटीज होने के बाद भी, तो आगे आपने क्लेम कर लिया और मालूम पड़ा डायबिटीज है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, पे आपको करना पड़ेगा और जो प्रीमियम भरा है वो भी वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो भी आपकी तकलीफें हैं या पहले से कोई बीमारी है वो आप बता दीजिए, और वेटिंग पीरियड अगर आपको कम कराना है तो उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम रहता है जो 4 साल का है, 3 साल हो सकता है या 2 साल हो सकता है, ये अलग अलग कंपनीज की अलग अलग पॉलिसीज में अवेलेबल है, ये आप चेक कर सकते हैं। क्लेम प्रोसीजर, ये क्लेम कैसा होगा? अगर कैशलेस होगा तो डायरेक्ट हॉस्पिटल से ही होगा और आपको जो कंपनी है उसे कॉल करके, मान लीजिए आपने एडमिट कराया है उसी टाइम 1-2 घंटे में आप इंटीमेशन दे दीजिए। अगर डे केयर ट्रीटमेंट है तो आप 24 घंटे पहले भी दे सकते हैं या 48 घंटे पहले भी दे सकते हैं, और एजेंट से भी ये कंफर्म करिए कि इसमें वो हेल्प करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि एजेंट्स आपकी पॉलिसीज खोलते हैं तो उनका मीन्स फर्ज बनता है कि वो आपको क्लेम के लिए क्लेम प्रोसीजर समझाए और उसके लिए अप्लाई करें। क्योंकि काफी ऐसे भी होते हैं जो प्रीमियम चेक के वक्त आ जाते हैं, और काफी एजेंट ऐसे हैं क्लेम के टाइम जल्दी आते नहीं है, क्योंकि जितना टाइम ज्यादा जाएगा तो उतना ही दिक्कतें बढ़ जाएगी, और ज्यादा अगर समय हो गया तो ये क्लेम पास होना भी मुश्किल है। तो जितना फास्ट करेंगे उतना फास्ट एक्शन मिलेगा, और इस क्लेम में आपको जितने भी बिल्स हैं मेडिकल के, हॉस्पिटल्स के और दवाइयों के, या एक्सरे आपने निकाले तो सब बिल्स आप सब में आपके पास रखिए, एक भी बिल हर चीज का आप बिल लीजिए। क्योंकि अगर आप कैशलेस नहीं रहेगा तो आपको ये सब बिल्स लगने वाले हैं, और एक्सरे रिपोर्ट्स और एक्सरे ये ओरिजिनल सबमिट करनी पड़ती है अगर आपको क्लेम चाहिए। अगर एक भी बिल मिस हो गया तो उस बिल का अमाउंट आपको क्लेम नहीं मिलेगा, और जो रिपोर्ट्स है वो भी मिस हो गई तो उसका जो अमाउंट है वो नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है और मैंने खुद सबमिट किए हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि 2 क्लेम मैंने ले चुका हूँ, उसमें कम अमाउंट आई थी, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। कभी भी आप मेडिकल का बिल लेते हो, दवाइयों का बिल लेते हो, तो आप बिल आप संभाल के रखिएगा। चलिए, आज मुझे यही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करनी थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।